गाइस अभी अनफॉर्चुनेटली है ना हमारा प्लान बना है, हमें ना हरिद्वार निकल रहे हैं। सो यार मतलब एकदम से प्लान बना और मैं तो यार शॉक गया एकदम। तो अभी पैकिंग करी है ना उसी की, तो है ना बैग वगैरह ना गाड़ी में रख देते हैं है ना, तो अभी रख देते हैं क्योंकि अब आधे घंटे में हम निकल जाएंगे। सो चलते नीचे, गाड़ी वाड़ी भी साफ करनी है तो देखते हैं जो भी है जैसे भी है। गया कहाँ बैग ब्लैक वाला, ये बैग रख गया जरा, इसमें कपड़े हैं। तो कार की चाबी है रही शर्ट के नीचे, चलते हैं ना नीचे ही। तो गाइस चल रहे हैं अभी इसको देखे, अरे आ जा पकड़। बस एक ही बैग है, गाड़ी पे कवर चढ़ा है, कवर हटा दूं। वैसे सही है कवर चढ़ा रहे ना तो गंदी नहीं होती, देखो कवर पे धूल है भी है टोटल है। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे भाई, मतलब सीन हो रहा है गलत है, हमें निकलना है हरिद्वार के लिए और बारिश स्टार्ट हो गई है, बिजली भी कड़क रही है देखो। चलते ऊपर ही है ना, सो अभी है ना अपन जा रहे हैं, आ जा गाड़ी साफ करेंगे आ जा। अरे कोई कुत्ता नहीं है यार, बाबू देखना कैसे डर रहा है, कुत्ते हैं कुत्ते हैं, तेरे को नहीं चढ़ रहे कुत्ते, आ जा मैं भगा दूंगा। आ जा भाई, भाई सब है ना रेडी हो गए हैं और चल रहे हैं, और अभी टाइम भी, फोन का चार्जर, भाई मम्मी का फोन का चार्जर रख लिया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, एंड टाइम का अभी 1 बज गया और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, चल ही रहे हैं फिलहाल तो है ना। चलो लेट्स गो, मैं तो एक्साइटेड हूँ, आफ्टर 4 ईयर्स जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। चलें बोतल वगैरह लिया जाके, मैं नीचे गाड़ी में हूँ ठीक है, ले गया जल्दी बोतल वोतल, ये जरा बैग रख दूँ मैं गाड़ी में है ना। हवा खोल लो, रख देता हूँ इसको ठीक है, ये तो इधर भी सेट हो जाएगा, इतना हैवी नहीं है। वैभव भी आ गया, आया और बुलेट यहाँ खड़ी है, दिक्कत तो नहीं है यार, लॉक करी थी मैंने आज ही। पापा बुलेट यहाँ खड़ी है, दिक्कत तो नहीं कोई, लॉक है ना। तो बैठ गए, मनी आ रही, नहीं नहीं तेरे को छोड़ के आ रहे हम। ये भी पूरी कार्टून है मनी भी। आराम से इसको। अब बाबू ये हमारे ठाकुर जी, मम्मी चलो पता नहीं देख लो, आप खाओ तो आप ले लो। चलते है गाइस, घर वर सब ऐसे ही पड़ा है फिलहाल तो, कोई ना लेट्स गो। मैं कह रहा था सो गाइस चल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, अब वो तो है श्री हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव श्री राम। सो गाइस आई थिंक 4 या 3 आवर्स लगेंगे हमें पहुंचने में, देखते हैं जैसा भी, अभी तो शायद यहाँ से हम थोड़ा सा गाड़ी को खींच ले उसके बाद। गाइस अभी है ना पेट्रोल भरवाने आए हैं बट यहाँ पेट्रोल ख़त्म है, ये पेट्रोल पंप पापा ऐसी है, पिछली बार मैं बाइक में डलवाने आया था ना तब भी नहीं मिला था यहाँ पे, पता नहीं बना के इसलिए रखा है यहाँ फिर ने। सो गाइस चल ही रहे हैं आगे, कोई पेट्रोल पंप मिलेगा उसी पे चलेंगे फिर। सो गाइस इस वाले आए हैं पेट्रोल पंप पे, देखते हैं यहाँ पे भी है क्या है, तो यहाँ पे है पेट्रोल का, गैस वगैरह तो फुल ही करवा रखी थी पापा ने, देखते हैं कित वो रख लिया था कागज। तो ऐसे चलते हैं, अब देखते हैं कौन से अपने होटल या ढाबे वगैरह पे रुकेंगे। 20 minutes later सो गाइस अभी अपना है ना पहला टोल तो आ गया, देखते हैं पाओ कौन सा टोल है, यानी कौन सी जगह पे है वाला, अच्छा मेरठ वाला टोल है, देखते हैं किससे कर सकता है। हाँ ताज तुम्हारा। तो गाइस एक और टोल आ गया, ये क्या फ्री है क्या वाला, तो नहीं नहीं देने पड़ेंगे पैसे यार, अभी तो टोल आया था यार, एकदम से दोबारा से टोल आ गया, क्या हो गया क्या कह रहा, इसकी बहस हो गई है अभी, ये देखो
भाई मेरे पैसे देना कुछ ऐसी बोल रहा है ये बस वाला। भाई चुप हो जा, बताऊं तेरे को उतर के अभी पौ कर रहा है। सो गाइस मेरे को पता नहीं इसको मेरा गुस्सा इतना खराब है, जोगिंदर से तगड़ा बंदा हूँ। क्यूब घुमाया जा रहा है तब से, डेढ़ घंटा होगा क्यूब भी घुमाया जा रहा है। भाई क्या हो गया, जल्दी कर लो से। नींद में बोल ली है, अरे जग रही है। भाई यार आप जग रहे हो, अभी मैं सो रही थी, मेरी आँख खुल गई तुम। लो फ्लैश जला दिया, दिखाओ। नशे हो से नशे। अभी टोल कट गया और यार ये सीन हो गया, मतलब फास्ट टैग में पैसे थे नहीं हमारे। अब इधर होता है क्या होता है, फास्ट टैग से है ना तुम्हारे कम पैसे लगते हैं, और अगर फास्ट टैग में पैसे नहीं है ना तो तुम्हें उसका डबल देना पड़ता है। तो 95 का टोल था, मैं यार 190 कुछ देने पड़े यार। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं, तू सो जाए ना, क्यों दिमाग खराब कर रही है, देखते कब तक पहुँचते। शायद अभी ये सीन है, मतलब है ना वहाँ पे CNG पंप था और हम स्पीड में थे, सो आगे आ गए, तो हमने अभी यू टर्न लिया है। अब CNG फुल करवा ले, क्योंकि फिर आगे पता नहीं कहाँ मिले ना मिले CNG पंप। स्वयं से फुल करवा के चलते हैं फिर। देखो भाई शर्म नहीं है, मतलब बिल्कुल कितने लोग हैं यहाँ पे, वो पूरी बस आ रखी है ना यहाँ पे, इसमारे इतनी ज्यादा पब्लिक है। अभी यहीं पे खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सीन है, वहाँ पे लिख रखा है इन्होंने CNG उपलब्ध नहीं है। और मेरे सामने भर रहा था, CNG खत्म हो गई है, बैड न्यूज। यार बताओ इतनी टाइम इतनी देर वेट भी वेस्ट करा हमने और CNG खत्म एंड में, बताओ। देख रहे हो गाइस कितना गंदा लॉल हुआ हमारे साथ। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं यार, चलो चलते हैं फिर आगे कहीं देखेंगे। सुखा था भी यहीं रुके थे जरा, है ना, चिप्स वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत खा के चलेंगे, तो चिप्स वगैरह ले रहे थे। बाकी यार बहुत ही गंदा सीन हुआ है पेट्रोल पंप पे, मेरे को लग भी रहा था यार, पता है मैंने पूछा वहाँ पे, वहाँ पे वो CNG डाल रहा, सो मेरे को लगा कि यार CNG होगी, पर जैसे हमारा नंबर आया क्या हो गया। आ जा बाहर, आ जा बहुत जरा दोस्त, चलते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है, आगे कहीं भरवानी पड़ेगी गैस, बिकॉज यार दो डंडी कुछ बचे हैं गैस के भी। ये रख तू, रख दिया, ये ले पकड़, ये पकड़। उनको गोद में ले रखा है मैंने, एक भी नहीं रहा तेरे को, मेरे को दे कुछ भी नहीं लिया चिप्स नहीं, ये भाई ये लिया तो चार चिप्स नहीं, प्रैंक ले ले, कौन सा लेगा आपने अपने लिए। तो गाइस चल रहे हैं अभी, अब आगे कहीं पे जो भी है अपना देख लेंगे। नहीं नहीं, स्ट्रिंग में अपने लिए लाया था भैया, अच्छा अच्छा नहीं मुझे लगा पी गया, पी लिया क्या, हाँ थोड़ा थोड़ा खिला कर। 20 minutes later अभी है ना फास्टैग रिचार्ज करवा रहे हैं अपना हम, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्या रीजन है कि टोल डबल लगता है विदाउट फास्टैग, इस वजह से फास्टैग इधर ही पीछे रुक के, देखो टोल आगे एक और आ गया, थर्ड टोल जो अपना पड़ रहा है उसे पीछे रुक के हमने फास्टैग अपना रिचार्ज कर लिया। भैया बता रहे हैं, थैंक यू भैया। तो गाइस थर्ड टोल आ गया वाला हमारा, और अभी मेरे को नींद आ गई है बहुत तगड़ी वाली, अब नींद आने लगी है, मैं सोच रहा हूँ सो ही जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि हम जाते हैं एकदम नहाएंगे ना। तो गाइस ये ना बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी कर रखी है, सही बताऊँ तो टोल पे वो जान के कर रहा है पापा ने, हाँ पहले उसने मतलब पहले दिखा रहा कि ब्लैक लिस्ट में हमारा फास्टैग, उस बाद पापा जब बोल रहे कि मतलब अभी करवाया अभी करवाया, उसके बाद तो अपने आप ही लिखा गया कि मतलब प्रोसेस सक्सेसफुल, मान लो इनसे बच के रहो। फिलहाल गए उत्तराखंड में है ना, एंटर हो गए हम, हो गए एंटर, हो तो गए उत्तराखंड, उत्तराखंड में एंटर हो गए, और नींद ही आ रही है फिलहाल तो, हम मेरे को तो आ रही थी यार, ये देखो ये भी नींद खो रहा है। और अपना जो हरिद्वार है ना यहाँ से सिर्फ 40 या 50 किलोमीटर अब दूर है, सो शायद हम आधे घंटे में पहुँच के वहाँ पे नहाएंगे अभी, तो उसका भी दिखाऊंगा आपको जो जैसे जैसे पॉसिबल होता है। तो गाइस ये लास्ट टोल है, इसके बाद 19 किलोमीटर रह गया हरिद्वार, टोल पे खड़े हैं फिलहाल तो, और अभी गाने सुनना था मैं, देखते हैं अभी कितने देर में नंबर आता है यार, ये चली नहीं रही हमारी लाइन।
से दूर करा मजबूरी में कूल बना डूड बना तभी जाके घर पे मेरे दिल टैंक का फूड बना क्यूट बना चेकना साफ साफ लेके ला कुरान में सब बना सीना बहुत सुना शैतान मेरा दोस्त बना। सो गाइस आप देख ही सकते हो अभी माउंटेन वगैरह दिखने लगे हैं देखो एज यू कैन सी। सो उत्तराखंड में एंटर हो ही गए थे मैंने बताया था आपको और हरिद्वार भी आने वाला है अपना। ये झटके बहुत आ रहे थे वीडियो थोड़ी हिली हुई उसके लिए सॉरी यार। सो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए हैं जैसा आप देख सकते हैं अभी भीड़ कितनी हो रही है 6 बज गए हैं फिर भी कितनी भीड़ हो रही है यार भाई यार थोड़ा खाली रहता तो मजा आता ना यार इतनी भी नहीं है खैर बट। सो गाइस यहाँ पे है ना अभी हमने पार्क कर दिया गाड़ी तो देखते हैं कहीं चलेंगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो गाइस चलते हैं अभी यहाँ पे लगा दी गाड़ी हमने हाँ चलो मम्मी लड्डू दे लो। तो गाइस चलते हैं अब नहाने जा रहे हैं सीधे है ना डायरेक्ट नहाते ही हैं वहीं पहुँचता हूँ ना क्योंकि यहाँ तो रश है थोड़ा सा इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा। अभी है ना कैन खरीद रहे हैं पापा और हम बोर हो रहे हैं यहाँ पे भीड़ बढ़ती बढ़ती आ रही है 6 बज गए और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे बता नहीं सकता मैं आपको। और गाइस भीड़ आप देख ही सकते हो जबकि 6 बज रहे हैं और तब देखो इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे यार मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था भाई। और गाइस ये है ना पुल है ये क्या है मतलब यहाँ पे है ना मछली वगैरह को खाना वगैरह खिला सकते हो और अभी ये सीन है ना हर की पैड़ी पे नहाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल घाट है हर की पैड़ी पे अच्छा होता है ना तो वहीं पे जाएंगे वो दूर है थोड़ा सा यहाँ पे नहाएंगे अपन भीड़ ज़्यादा हो रही है इसलिए घर से वॉइस ओवर कर लूँगा बहुत भीड़ है बहुत भाई बहुत ज़्यादा भीड़ सुबह के 7 बज रहे हैं और भीड़ देखो भीड़ ये हाल है यार भाई मतलब भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है क्या भीड़ हो रही है यार भीड़ भीड़ देखो भीड़ देखो भाई भीड़ देख रहे हो भाई भाई मतलब बता क्या कितनी भीड़ है ना यहाँ पे अरे जगह मिली यहाँ पे पता है आपको क्या ही बताऊँ बस अभी चलेंगे नहा के आएंगे हम 20 minutes later. गाइस अभी जो जा रहे हैं फिलहाल नहा लिया हम मैं दिखाई नहीं पाया कुछ भी क्या करूं कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं करा और भीड़ इतनी यहाँ पे रिकॉर्ड करने लायक कुछ है ही नहीं देखो भीड़ अपने आप ही देख सकते हो आप अभी मैं चल रहा हूँ तो आपको भीड़ दिखी रही होगी। फाइनली गाड़ी तक पहुँच गए यार मैं दिखा नहीं पाया क्या करूँ गाइस सॉरी यार इतनी भीड़ हो रही है ना आप बस बता सकते हैं इस टाइम तो बेकार ही आना वो तो मैं ना आज थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए आ गए। गाइस फाइनली नहा ही लिए पहले तो नहीं ऐसा लग रहा था कैसे नहाएंगे मतलब भाई इतनी भीड़ में मतलब नहा ही लिए जैसे जैसे और अब घर को निकल रहे हैं थोड़ा पहले होटल वगैरह पर रुक जाएंगे है ना क्योंकि थक गए हैं सबके सब भाई बहुत ही भीड़ थी यार मैं बता नहीं सकता इतना बुरा हाल हो गया ना हमारा क्या बताऊँ बस। और अभी है ना CNG भरवाने आए हुए हैं भाई बहुत ही लंबी लाइन है पंप देखो पूरा दिख रहा हो तो पंप हुआ छोटा सा और पूरी लाइन लगी आगे तक उधर। और गाइस लीची वगैरह खरीदी है अभी और लीची खा रहे हैं अभी लीची के मजे ले रहे हैं मैं तो खा नहीं रहा क्योंकि यार चिपचिप हो जाता है बहू छील के दे इसको। सो गाइस जैसे थे अपना नंबर आ गया पता है सीन ऐसा है यहाँ पे मतलब एक ही CNG पंप है ना मतलब आते टाइम पड़ रहा है CNG पंप ना जाते टाइम तो यहीं से सारी गाड़ियाँ जो है भरवा रही हैं CNG भरवा लिए चल ही रहे हैं ना फिलहाल चल ही रहेगा इधर ना फिर घर पे मिलेंगे क्योंकि शायद होटल पे भी अभी नहीं रुकी क्योंकि किसी का भी मन नहीं कर रहा खाना वगैरह खाने का। और यार सबसे दिक्कत ये है यूपी में ना इस साइड मतलब भाई 96 रुपीज़ है ना अपनी CNG डली हमारी मतलब इतनी महंगी जहाँ मतलब अपनी दिल्ली में 72 रुपये कुछ की है CNG यहाँ पे 96 की है बताओ मतलब भाई लूट मचा रही है गलती। सो गाइस अभी ढाबे पे आए हैं ये ढाबा है कुछ इस पे थोड़ा बहुत खा लेंगे सारे ऐसे मिलेंगे रेस्टोरेंट देख लेते कोई सारे ऐसे मिलेंगे अरे आना थोड़ी देर खा भी सकते हैं। चलो भाई जी इतनी तेज नींद आ रही है ना कल रात से एक दिन से नहीं सोया पूरा मैं देखता अभी क्या क्या ऑर्डर करना है जो भी है ठीक है क्या हो गया अब खा लो भाई अब क्या करे ला दिखा मेन्यू दिखा मैं चूज करूँगा मेन्यू दिखाइयो मैं नहीं बहरी है क्या मेन्यू देना है क्या वो बहरी मेन्यू देना तो गाइस अभी है ना पराठे वगैरह मंगवाए हमने और आ गए हैं आलू वगैरह के मंगवाए थे प्लेट गंदी हो रही थी हाथ अब थोड़ा बहुत मेरे को ज़्यादा वैसे भूख तो नहीं है बट थोड़ा बहुत खा के भी चलेंगे ठीक है खा ले मनी भाई जल्दी खा ले
तो बस जल्दी से खाना खा ले फिर चल रहा है बस। वैसे भी खाना वगैरह तो खा लिया, बस वही है मनी टॉयलेट गई है अभी, और हमारे जो काना जी यहाँ बैठे हैं चल ही रहे हैं। अभी तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी आ गई यहाँ पे, बट इतना नहीं है कि मतलब पहले हमें लगा कि भपका बहुत होगा यहाँ पे, खाया नहीं आया खाना, बट ठीक है यार इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। चल रहे हैं मेरे पापा भी गाड़ी अभी मतलब बैग वगैरह कर रहे हैं। जैसे हमने खाना वगैरह तो खा लिया, अब डायरेक्ट घर ही चलते हैं। वहाँ वही मनी भाई 420। चल यार हम आई, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, ये तो बेचारा सो गया था खाना खाते खाते। 2000 years later बस फाइनली हम गाजीपुर पहुंच गए हैं, और अभी से भी 2-3 मिनट का रास्ता होगा हमारा यहाँ से, देखते हैं। और ये बारिश अगर आई थी ना उससे भर गया मुझे लग रहा है, कल आई थी रात को। 20 minutes later घर आ गया, देखो अभी हाथ से नीचे बच्चों का यही तो रहता है यार, क्या बताऊं बस। सो गाइस अभी घर पे आ गए हैं यार, अपना घर। उठ जा, ओए उठ, चल उधर वे उधर लगी, क्या लगा दिया ये, क्या रख दिया, क्या रख दिया ये, अबे यार पापा आ गए पता नहीं क्या रख दिया। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए, और नींद आ रही है बहुत ही गलत पानी यार, लिया भी है तो बहुत ही गलत वाली नींद आ रही है। खोल अब मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी आपको थकान तो दिख रही होगी मुंह पे यार, और भाई मैं बता नहीं सकता मतलब बेकार है। वैसे तो यार इतनी गर्मी में जाना सही बताऊँ तो यार, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बेकार है इतनी गर्मी में जाना भाई, मतलब पसीने से पूरा नहा गया, ऊपर से इतनी भीड़ भाई, बस उसी वजह से मैं आगे दिखा भी नहीं पाया कि यार नहा रहे नहीं नहा रहे, क्योंकि बैग का ध्यान रख रहे कभी कुछ कर रहे, ऊपर से इतनी भीड़ में पता वीडियो नहीं बन पाती। बाकी अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन रीजन से मिलती, बड़े बाल से मिलती, मतलब हुजूर की सिर्फ जगह समझेगा।